गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू DSS ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वील डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट एज वेल एज एट इक्वेटोरियल पॉइंट। बट इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, राइट? ओके, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से आप लोगों ने लास्ट टाइम पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है। जितने भी चार्जेस होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कंप्लीट आता है। अब उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था, उसके बाद एक और न्यूमेरिकल अगर हम देखें उस पे बेस्ड, तो वो न्यूमेरिकल कैसा, मान लीजिए सिंपल सा है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक स्क्वायर है जो कि ए डिस्टेंस का है। ए डिस्टेंस ये है, ए डिस्टेंस ये है, और ए डिस्टेंस ये है, एंड देन ए डिस्टेंस ये है, राइट? ये चार्ज क्यू रखा हुआ है, ये चार्ज क्यू रखा हुआ है, ये चार्ज क्यू रखा हुआ है, और ये चार्ज क्यू रखा हुआ है, राइट? और हमसे कोई पूछ दे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे, मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें चाहिए, यहाँ इस पॉइंट पे चाहिए, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। ओके, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किन चार्जेस की वजह से होगा? एक तो इस चार्ज की वजह से होगा, एक तो इस चार्ज की वजह से होगा, और एक इस चार्ज की वजह से होगा, राइट? तो इसकी वजह से क्या होगा, 1/4 πε0 qa, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, तो आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्ट बस ऐड करना है। तो ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, और ये मान लो 3 है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट पी क्या होगा, नेट पोटेंशियल एट पी क्या होगा, नेट पोटेंशियल पोटेंशियल एट पी क्या होगा, पी पे नेट पोटेंशियल क्या होगा, तो वी पी की वैल्यू V1 + V2 + V3 इन तीन चार्जेस की वजह से होगी। इसकी वजह से ये 1 है तो यहां पे V1, इसकी वजह से V2 और इसकी वजह से V3। V1 और V2 तो इक्वल होंगे, राइट? V3 एक डिफरेंट होगा, तो V1 क्या होगा, 1/4 πε0 qa होगा, प्लस V2 क्या होगा, सेम वही 1/4 πε0 qa होगा, बट जो V3 आएगा इस बार ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस, a√2 distance, राइट? तो वो V3 क्या होगा, 1/4 πε0 qa√2, राइट? ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 1/4 πε0 qa कॉमन कर लो, 1 + 1 2 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 1/√2 आ जाएगा, राइट? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 πε0 qa (√2 + 1/√2) इतने वोल्ट का पोटेंशियल एट पी आ जाएगा, नॉर्मल है, राइट? तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग को ऐसा करेंगे। हाँ, एक चीज और है, अगर यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव होता तो यहां पे हमारा नेगेटिव आ जाता, बस बाकी सब सेम रहता। ओके, ये तो हम लोग ने कुछ प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल किया है। अभी हम लोग को अभी आज क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल पढ़ना है। अब ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एक्सियल पे भी होगा एज वेल एज इक्वेटोरियल पे होगा, जस्ट लाइक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल करते थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप जानते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू इच अदर, ये तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उस डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन एज वेल एज इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, राइट? ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट? ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये तो हम आइडिया। अब दो पोजीशन हो सकता है, एक्सियल पोजीशन एज वेल एज इक्वेटोरियल पोजीशन, राइट? तो सबसे पहली बात है एट एक्सियल पोजीशन,
एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन, राइट। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे करना क्या है, माइनस क्यू ये है और प्लस क्यू ये है, माइनस क्यू और प्लस क्यू जब एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पे हो तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। वहां से एक पॉइंट इस वाले मिड पॉइंट से मान लीजिए आप r डिस्टेंस पे, इधर भी डिस्टेंस a है, इधर भी सेंटर से डिस्टेंस a है और इधर भी डिस्टेंस a है, तो टोटल 2a है। ठीक है, टोटल 2a है, तो यहां से r पॉइंट पे ये एक p पॉइंट आया है जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। ऑब्वियसली बात, अब कोई इसकी डायरेक्शन तो होगी नहीं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं है, तो माइनस क्यू की वजह से ऐड कर दो और प्लस क्यू की वजह से ऐड कर दो, माइनस क्यू की वजह नेगेटिव होगा, प्लस क्यू की वजह पॉजिटिव होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी प्लस क्यू वाला, ये डिस्टेंस होगी आर माइनस ए, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये देखो आर तो यहां तक था, ए और इतना, ए इतना था, ए इतना और, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आर प्लस ए, मतलब ये है नेगेटिव चार्ज उस पॉइंट से r प्लस ए डिस्टेंस पे है और पॉजिटिव चार्ज उस पॉइंट से r माइनस ए डिस्टेंस पे है, तो हम लोग वन बाय वन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पी दोनों हम लोग को पता करना है, राइट। तो आपको डायरेक्ट ऐड करना है, क्योंकि इस बार डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, राइट। चलो तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो वी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R माइनस ए, इतनी होगी, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, राइट। अब हम लोग को क्या करना है, अब नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, राइट। ओके, नेगेटिव चार्ज की वजह जो पोटेंशियल होगा हम लोग उसको नेगेटिव मानेंगे, डायरेक्शन होती नहीं है, नेगेटिव इसलिए मानेंगे क्योंकि अगर कोई वर्क होगा ये अगर अपोज करेगा तो लाजमी सी बात है ये सपोर्ट करेगा, राइट। अगर कोई यूनिट चार्ज लाओ गया तो ये तो रोकेगा, उसको रिपेल करेगा, लेकिन ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये सपोर्टिव वर्क करेगा, ये अपोजिट वर्क करेगा, राइट। तो इसलिए ये पॉजिटिव वर्क होगा, ये नेगेटिव वर्क होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ओके, एट पी पॉइंट पे हम लोग को चाहिए, तो जरा वी ऑफ माइनस क्यू अगर हम बोले तो कितना आएगा, 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए आएगा, ये हो गया माइनस क्यू की वजह से। अब हम लोग को क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी क्या करना है, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देना है, राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक इसकी वजह से देख लिया तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी हम लोग को करना है, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी देख लेते हैं एक बार कि क्या आने वाला है, राइट। इन दोनों को ऑब्वियसली बात है डायरेक्ट ऐड करना है, और जो भी हमारा एजम्पशन वगैरह यूज करना है वो कर लेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, ओके, तो वी नेट की वैल्यू क्या होगी, वी ऑफ प्लस क्यू प्लस वी ऑफ माइनस क्यू, तो वी ऑफ पॉजिटिव क्या होगा, 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए प्लस 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए, ओके, ये v पॉजिटिव ये v नेगेटिव दोनों ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, यहां से 1/4πε0 इंटू क्यू तो कॉमन कर लीजिए, 1/r माइनस ए इधर आएगा और माइनस 1/r प्लस ए इधर आएगा,
क्योंकि ये माइनस है, राइट ओके। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये वी नेट हम लोग निकाल रहे हैं, वी नेट निकाल रहे हैं, ठीक है ओके। तो 1/4π/Q, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/4π/0 × Q टाइम्स आर प्लस ए माइनस टाइम्स आर माइनस ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट ओके। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट ठीक है। आर प्लस ए, ये आर आर तो कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस 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 प्लस ए, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, देखो जरा आगे देखो, हम लोग यहां पे आ जाते हैं यहां पे, राइट। इसके बाद का वी नेट का हम लोग स्टेप ले रहे हैं, वी नेट का स्टेप आगे ले रहे हैं, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 1/4π, यहां से वी नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4π/0 × Q टाइम्स 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। अब हमारे पास, मैंने हम लोगों ने पहले भी बोला है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हों, राइट ओके। तो मतलब 2a बहुत छोटा होगा तो a और भी छोटा होगा, और किसी छोटी वैल्यू का स्क्वायर अगर कोई लेस देन 1 वैल्यू है तो उसका स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाता है, तो स्क्वायर को हम लोग इग्नोर कर देंगे, राइट। तो यहां से ए स्क्वायर बहुत छोटा है एज कंपेयर टू आर स्क्वायर, तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहां से कि ए स्क्वायर को लगभग जीरो कर देते हैं, राइट। तो यहां से वी नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4π/Q × 2a क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा 1/4π/0 × P/r2, ये वैल्यू आ जाएगी ओके P/r2। चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको k लिख लीजिए, तो सिंपल सा इसको क्या बोल दो, वी नेट की वैल्यू इसको क्या बोल दीजिए, KP/r2, ऐसे ही बोल सकते हो KP/r2, और k की वैल्यू क्या है 1/4π/0 है, क्लियर। तो 1/4π/0 × P/r2, p क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और r क्या है, डिस्टेंस है, राइट, उस पॉइंट मिड पॉइंट से, और 1/4π/0 जानते हो आप, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, राइट। तो आई होप ये इतना समझ में आया होगा, उसके बाद हम लोग एक नया केस कवर करेंगे, ओके थैंक यू।